तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं कायनात अंसारी और आप देख रहे हैं हिमाचल लाइव। हिमाचल में मौसम ने करवट बदली है। प्रदेश की राजधानी शिमला में रविवार देर रात बर्फबारी हुई। नववर्ष मनाने पहुंचे सैलानियों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया। वहीं ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब बने रहने की संभावना है। 29 से 31 दिसंबर तक प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने और तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं मौसम केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि लाहौल स्पीति का प्रशासनिक केंद्र केलोंग राज्य में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त कितना ज्यादा जो है माहौल सर्द है। हिमाचल के अंदर भारी बर्फबारी हुई है, जिससे कई जगहों पर तापमान माइनस डिग्री से भी नीचे चला गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सोलन से अमरप्रीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरप्रीत, जरा बताएं कि मौसम का हाल क्या है, कितना बदला है मौसम का मिजाज और इस तेवर से कितनी ज्यादा मुश्किल बढ़ी है लोगों की? जिस तरह से हिमाचल को लाल सोने और सफेद आंधी के नाम से जाना जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि कल बीती रात जब पूरा दिन मौसम साफ था और अचानक रात को मौसम ने करवट ली और पूरी रात बारिश और हल्की बर्फबारी होती रही। सोलन सहित शिमला और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी पूरी तरह से हुई और जो एकदम जो पहली जैसे ही बारिश हुई और उसी के साथ जो बर्फबारी हुई, इससे लोगों के चेहरे खिल गए, लोगों, बागवानों और किसानों के चेहरे खिल गए। वहीं अगर बात की जाए पर्यटकों की, जिस तरह से पर्यटक जो शिमला में न्यू ईयर मनाने आए थे, क्रिसमस मनाने आए थे, जो शिमला रुके हुए थे, पर्यटक स्थलों पे रुके हुए थे, उनके चेहरे भी खिल गए। उनके जो पैसे, जो उनकी छुट्टियां थी, वो पूरे वसूल हुए हैं। सोलन की बात की जाए तो सोलन के कसौली, चायल व अन्य जो पहाड़ी क्षेत्र है और पर्यटक स्थल है, वहाँ पे देर रात बर्फबारी हुई। जैसे ही लोग सवेरे उठे तो वे एकदम अचानक बर्फ को देख के हैरान रह गए कि एकदम बर्फ, पहली बारिश के साथ ही जो है बर्फबारी हुई। ठीक है ना जी। अमरप्रीत, हम ये जानना चाहेंगे इस वक्त आप जो है वो किस जगह पर खड़े हुए हैं, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि पीछे भी काफी बर्फ गिरी हुई दिखाई दे रही है। अगर आप हमें आसपास का व्यू दिखा सकते हैं तो हम चाहेंगे जरूर हमारे दर्शकों को आप दिखाएं कैमरा घुमा करके उस तरफ के, कितना मनमोहक नजारा जो है वो इस वक्त बना हुआ है और सर्दी जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। सोलन के जो है फाची रोड पर खड़ा हूँ, जहाँ पे बर्फबारी हुई है। बड़ोग और चहल सहित भी जो है बर्फबारी हुई, क्योंकि कैमरा सेंट पे लगा हुआ है तो मैं कायरा ये कैमरा नहीं घुमा पाऊंगा, लेकिन मैं ये बता पाऊंगा कि काफी ज्यादा बर्फबारी है और जो इस बर्फबारी होने की वजह से पूरा जो जनजीवन अस्त व्यस्त है। पूरे जो पहाड़ी इलाकों में जो पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचे क्षेत्र है, वहाँ पे बर्फबारी है। शहर में जो बर्फ थोड़ी कम पड़ी है और हल्की है, रोड साइड और जगह जगह पे जो है बर्फ जमी हुई है। जी अमरप्रीत, ये जो बर्फबारी हुई है, क्या ये बर्फ कल रात में ही इतनी गिरी है और कितनी ज्यादा मोटी परत जो है वो बर्फ की इस वक्त जम गई है? जैसे ही देर रात, जैसे पूरा दिन मौसम साफ था और देर रात जैसे ही बारिश शुरू हुई तो किसी को ये नहीं था, सब यही सोच रहे थे कि बारिश होगी, लेकिन बारिश के साथ एकदम इस तरह की बर्फ पड़ेगी तो सब लोग अचंभित थे। बर्फ जो है, जैसे शहर की बात की जाए तो आधा इंच से ऊपर जो है शहरी शहरों में पड़ी है और वही जो ऊपर क्षेत्र है वहाँ पे काफी बर्फ है और जो इस समय जो पूरी तरह से ठंड का माहौल बना हुआ है, लोग अपने घरों में दुबके हुए, सिर्फ जरूरी काम करने वाले लोग ही जो है या नौकरी पेशा वाले लोग ही जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वही बात की जाए, पूरी जो ठंड है वो कड़कड़ाने वाली ठंड है, पूरी शरीर को चपेट में ले रही है, पूरी ठंड कितनी है, माइनस डिग्री में टेम्परेचर जा रहा है कई जगह पे, माइनस में जा रहा है टेम्परेचर। जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां पर पहले तापमान क्या था और इस बर्फबारी के बाद कितना उसमें बदलाव आया है, कितना नीचे गया है तापमान? दूसरा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो रास्ते हैं उनका क्या हाल है, कितने रास्ते बाधित हुए हैं इस बर्फबारी की वजह से? टेम्परेचर की बात की, जैसे 2-3 दिन पहले यहाँ पे मौसम खुल गया था, उससे पहले जो है मौसम खराब था। मौसम विभाग की भी माने तो उनके में पहले ही इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया था कि क्रिसमस में तो बर्फ बारिश या बारिश नहीं होगी, लेकिन उसके बाद जो
27 और 29 को जो है मौसम खराब रहने का अनुमान उन्होंने पहले ही बताया था। उन्होंने ये भी बताया है कि विभाग ने कि जो 9 वर्ष से भी बारिश और बर्फबारी नहीं होगी मौसम खुश्क रहेगा। वही जिस हिसाब से बर्फबारी हुई है तो मौसम में बहुत ठंडक है और इससे जिस हिसाब से बड़ोग का रास्ता जो है ऊपर से जो आने वाला रास्ता था उसको कुछ समय के लिए बंद किया गया था क्योंकि बर्फबारी हल्की थी। पहला दिन था तो इसमें अभी बर्फ जमी नहीं हुई है तो कोई परेशानी नहीं आ रही है। तकरीबन सभी रोड जो है खुले हैं। ये कारण है। चलिए बहुत शुक्रिया अमरप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो शीतलहर जो है वो चलनी शुरू हो गई है। बर्फबारी का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हुई है लेकिन मैदानी इलाकों में इसका असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। ठंड बढ़ गई है। हालांकि जो बूंदाबांदी हुई है उससे निजात कोहरे से जरूर यहाँ पर लोगों को मिली है। चंबा से हमारे सहयोगी अजहरुद्दीन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मौसम से जुड़ा अपडेट लेकर। अजहरुद्दीन आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि मौसम के मिजाज कितने बदले हैं और इस बदले मिजाज आज ने आसपास के वातावरण को माहौल को कितना बदल दिया है। जी कायना, तो रविवार से देर रात जो है बर्फबारी की वजह से पूरा मौसम में एकदम से पूरी चेंजिंग आ गई है। पूरा एकदम से माहौल जो है तब्दील हो गया है। पहले लोग जो है परेशान थे कि बारिश नहीं हो रही थी लेकिन रविवार देर रात जो है बारिश होने के साथ साथ जो है बर्फबारी बहुत ज्यादा जो है बर्फबारी देखने को मिल रही है और एकदम माहौल जो है वो ठंडा हो गया है। शीतलहर है। अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी बर्फबारी जारी है, अभी भी बर्फ गिर रही है और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जाए कि यहाँ पे देखा जा सकता है साफ तौर से कि यहाँ पे चारों तरफ जो है अभी बर्फ गिर चुकी है और लोग जो है अपने घरों में है, बाहर जो जिनको जरूरत का काम है वही बाहर आ रहे हैं और चारों तरफ जो है बर्फ की चादर जो है अभी देखने को। अजहर, हम ये भी जानना चाहेंगे ये जो नजारा आप दिखा रहे हैं ये किस जगह का नजारा है? चंबा में किस जगह पर आप इस वक्त मौजूद हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है और क्या चंबा में ही अभी बर्फबारी का सिलसिला जारी है या इसके अलावा भी कई दूसरे स्थानों पर बर्फबारी हो रही है? जी कायनात, अभी चंबा में, चंबा के अलावा भी अगर दूसरी जगहों की बात करूं तो हर जगह जो है बर्फबारी देर रात से जो है देखने को मिल रही है और अभी लगातार बर्फ गिर रही है और इस वक्त हम चंबा खजियार मार्ग पर मौजूद हैं और ये गजनुई का इलाका है, गजनुई गांव है एक वहां पे और यहाँ से ऊपर जो है काफी ज्यादा ऊपर जाना लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि रास्ते एक तरीके से देखा जाए तो थोड़े कुछ एक जगह पे बंद है और लोक निर्माण विभाग जो है इसी जद्दोजहद में है कि रास्ता खोला जाए ताकि पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो। और लगातार बर्फबारी की वजह से लगातार तापमान में जो है गिरावट देखी जा रही है और हल्की बहुत यहाँ पे गाड़ियां भी चलती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां जहां तक रास्ता खुला है पर्यटक भी जाने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर से जो पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए आते थे, कल भी हमारी बात हुई थी कुछ पर्यटकों से तो काफी ज्यादा तादाद में अभी बर्फबारी देखने के लिए लोग बाहर से भी यहाँ पे आए हुए हैं। जी अजहर, इस बर्फबारी के चलते तापमान जो है वो कितना नीचे पहुंच गया है? माइनस, क्योंकि कई जगह पर माइनस डिग्री से भी नीचे तापमान चल रहा है तो इस वक्त चंबा में तापमान कितना बना हुआ है? दूसरा ये भी कि कितने घंटों से ये सिलसिला जो है बर्फबारी का वो जारी है और कितनी मोटी परत बर्फ की जम चुकी है अभी तक? जी कायनात, रात तकरीबन 8 बजे के बाद जो है बर्फबारी गिरना शुरू हुई थी। उस वक्त हल्की बहुत बर्फ गिर रही थी लेकिन सुबह होते होते पहाड़ों ने चांदी की जो चादर है वो ओढ़ ली और सुबह जो नजारा देखने को मिला कि चारों तरफ पूरे पहाड़ जो हैं वो सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आ रहे थे और अभी तकरीबन ज्यादा तो नहीं, तकरीबन 2 से 3 इंच जो है बर्फ अभी देखने को इस इलाके में मिल रही है लेकिन अगर खजियार की अगर बात करें तो वहां पे इससे कई गुना ज्यादा जो है बर्फबारी वहां पे देखने को मिल रही है। जी कायनात जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी अजहरुद्दीन कि आपने बताया कि जो ऊपर जाने वाला रास्ता है वो अभी बंद कर दिया गया है तो ये रास्ता जो है वो कहाँ तक पहुंचता है और कितने रास्ते इस बर्फबारी की वजह से बाधित हुए हैं या मौसम के अचानक से बदले मिजाज की वजह से सामान्य जनजीवन जो है वो कितना प्रभावित हुआ है? जी कायनात, तो रास्ते बंद नहीं कर दिए गए हैं, कुदरत की तरफ से जो है रास्ते बंद हुए हैं। बर्फबारी इतनी तेज है कि उसकी वजह से रास्ते बंद है और लोक निर्माण विभाग जो है इस जद्दोजहद में लगा हुआ है कि रास्ते खोले जाए ताकि पर्यटक जो है वो यहाँ का जो मिनी स्विट्जरलैंड जिसे कहा जाता है, खजियार वो इलाका है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है तो वहां के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं ताकि पर्यटक जो है वो बर्फबारी का आनंद ले सके और वहां तक पहुंच सके। जी कायनात
जी एक आखिरी बार आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि अभी जो तापमान है वो कितना दर्ज किया गया है, कितना और मौसम विभाग जो है आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम रहेगा इसकी संभावना जता रहा है? जी कायनात, इस वक्त तकरीबन जिस इलाके में हम हैं यहाँ पे -6 डिग्री तापमान है और अभी लोग अभी जो है मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार आने वाले तकरीबन एक हफ्ते तक जो है मौसम इसी तरीके से बना रहेगा। बीच में मौसम साफ होने की भी संभावना है लेकिन तकरीबन एक हफ्ते तक मौसम ठंड का ही बना रहेगा। अभी ठंड का बना रहेगा या ये बर्फबारी का सिलसिला जो है आने वाले और दिनों में भी इसी तरह से चलता रहेगा? और बारिश क्या इस बीच हो सकती है, इस बारे में कुछ अलर्ट जारी किया गया है विभाग की ओर से, मौसम विभाग की ओर से? जी मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई थी उसके अनुसार तो अभी आने वाले दिनों में बर्फबारी दोबारा भी हो सकती है और बारिश जो जिस तरीके से बताया गया था उस तरीके से बारिश बीच में थोड़ी कम भी हुई है लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग अनुमान लगा रहा है उसी हिसाब से बर्फबारी की भी जिस तरीके से बताया जा रहा था तो उस तरीके से बर्फबारी भी हुई है और बारिश भी देखने को मिली है। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि किस तरीके से बर्फबारी और ज्यादा होती है और बारिश किस तरीके से आने वाले समय में देखने को मिलती है। एक और चीज यहाँ पे कायनात में जोड़ना चाहूंगा कि क्योंकि जो किसान हैं उनको काफी ज्यादा इस बर्फ से फायदा हुआ है क्योंकि इस वक्त अगर बर्फबारी होती है तो जो गेहूं की फसल है उसमें खरपतवार जो होती है वो नष्ट हो जाती है और फसल जो है काफी अच्छी होती है। और इसके साथ ही जो बागवान है हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा सेब की पैदावार होती है और इस वक्त जो दिसंबर माह में बर्फबारी होती है इसकी वजह से सेब की जो फसल है उसमें भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से जो है इस वक्त किसान भी काफी ज्यादा खुश हैं और बागवान भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया अजहरुद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी है और आने वाले दिनों में भी मौसम के इसी तरह से बने रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है।